रामचंद्र है और मैं बिहार से आया हूँ। हमारे माता पिता खेतिहर मजदूर होमलेस पर्सन थे, उस वातावरण में मैंने पढ़ाई किया। जब छठी क्लास में था तो मैंने मदर ट्रेसा का जीवनी पढ़ा था और उस जीवनी के द्वारा हमारे मन में प्रेरणा मिला दूसरों को मदद करने के लिए। मैंने सोचा कि दूसरे देश के लोग हमारे देश में आकर के लोगों को, गरीबों को, बेसहाराओं को कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, तो उसी समय से हमारा मन में भावना आ गई कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तो पढ़ाई करते हुए मैंने 1980 में हिलसा नालंदा के क्षेत्र में शुरू किया था। 1980 गरीब बच्चों के लिए ब्रिज के नीचे, वहीं से पढ़ाते हुए और पढ़ते हुए मैंने 1996 तक मैंने बिहार के दायरे में रहा। बाद में कमाने के उद्देश्य से मैं बिहार से निकल करके दिल्ली की ओर आया। यहाँ हमें झुग्गी झोपड़ी के लोगों ने शरण दिया रहने के लिए पूरे सम्मान के साथ। तो हमारे मन में भी यही जिज्ञासा हुई कि इन लोगों के बच्चे को भी पढ़ाना चाहिए। The experience here has been very powerful, seeing what they're able to do in an environment like this with the limited resources that they have, but you can still see that kids are full of joy, they're learning, they're experiencing. It's an option for kids that sometimes have no option. So we've had such a good time being able to play games and teach lessons, share some English, learn some Hindi from the kids. So we've had such an enjoyable time and so thankful for that places like this can exist for kids to be able to learn and grow. मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा है। सन 2006 में मैंने यमुना ब्रांच मेट्रिक ट्यूशन घूमने के लिए गया था। वहाँ गरीब स्तर के कुछ बच्चे मेरे को मिले जो कि स्कूल नहीं जाते थे। उन बच्चों के माँ बाप से मैंने बात किया और उनको प्रेरित किया कि बच्चों को शिक्षा से जोड़ो। तो उसी चीज़ को सोच करके एक पेड़ के नीचे बैठ करके दो बच्चों से ये मैंने जो काम शुरू किया था। और उसके बाद मैं सन 2010 में मैं इस जगह पर आया, यहाँ पर फ्लाई ओवर के नीचे। उसके बाद में काफ़ी लोग मेरे साथ में जुड़ते गए और पढ़ते रहे। पैसे से जो है हम लोग दुकान का काम अपना करते हैं और गरीब बच्चों को, दो सिक्कों में 250 बच्चे हैं, इसे पढ़ाते हैं। यहाँ पर ये स्कूल का नाम अंडर द ब्रिज स्कूल है और ये फ्लाई ओवर के नीचे चलता है। ये और स्कूलों से खास स्कूल है कि गरीब स्तर के बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते हैं वो इस स्कूल में आकर के अपनी शिक्षा की ओर जो है बढ़ते हैं। उनका हमारे पास में जो वॉलेंटियर टाइप के टीचर हैं वो जो है एक बंदा हमने इसी बात के लिए छोड़ रखा है कि वो जो है घर घर जा करके उन बच्चों की RD बनवाता है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है और बच्चों को स्कूल में जो है भर्ती करा देते हैं। उस तरीके से ये स्कूल यहाँ पर जो है चल रहा है। मेरे को तो इन बच्चों से बहुत पहले से लगाव रहा और मैं भी अपने गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो हमको इन बच्चों को पढ़ाने में बहुत आनंद आता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि जब तक ये विद्यालय रहेगा तब तक हम बच्चों को सेवा करते रहूँगा।